लगातार बढ़ रही मोबाइल चोरी और बाइक चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के इरादे से जब पुलिस ने पेट्रोलिंग तेज करते हुए कार्रवाई शुरू की तो शक के बिना पर पूछताछ करते समय एक आरोपी के पास से चोरी की एक एक्टिवा जब्त की गई, जबकि आरोपी ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र से बाइक चोरी की 6 वारदातों सहित 2 मोबाइल चोरी को अंजाम देने की बात कबूली है। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब का शौकीन है और नशे की हालत में इन वारदातों को अंजाम दिया करता था। जानकारी के मुताबिक शहर में लगातार बढ़ रही चोरियों की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने हर एक छोटी से बड़ी गतिविधियों पर पैनी नजर बनाने और पेट्रोलिंग को तेज करने का पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया, जिसके तहत पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति से जब पूछताछ की तो आरोपी अंकुश उर्फ अंश नितिन गजबे दत्तात्रेय लेआउट निवासी से चोरी की एक एक्टिवा पाई गई। इस बिना पर जब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और अधिक पूछताछ की तो आरोपी ने अलग अलग थाना क्षेत्र से 6 वाहनों के चुराए जाने की बात कबूली, जिसके तहत पुलिस ने सक्करदरा, अजनी, वाथोड़ा और सीताबड़ी क्षेत्र से 4 वाहनों को जब्त भी किया है जिन्हें आरोपी द्वारा चुराया गया था। इसी के साथ ही आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। आरोपी के पास से कुल 1,00,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है और शराब के नशे में यह चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि आरोपी बाहर खाना खाने जाया करता था, पर पैसा ना होने पर वह गाड़ियों की चाबी दुकान मालिक को दे दिया करता था और कहता था कि इसे रख लो और जब मैं पैसे लेकर आऊं तो मुझे लौटा देना, जिसके बाद ना ही आरोपी पैसा लेकर आता और ना ही वाहन लेने आता। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से चुराए गए अन्य वाहनों की तलाश कर रही है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। सक्करदरा पोलीस स्टेशनचा रेकॉर्डवरचा वाहन चोरीचा गुन्हेगार आहे अंशुल गजबे म्हणून त्याचं वाहन चोरीमधलं रेकॉर्ड आहे आणि इतरही चोऱ्यांमधलं रेकॉर्ड आहे। त्याच्यावर आम्ही पाळत ठेवून सापळा रचून त्याला परवाच्या दिवशी पकडलेलं आहे। त्याच्याकडं त्याच्या ताब्यातून एक ॲक्टिवा वाहन मिळालं, त्याच्यानंतर त्याची तपास केला असता त्याच्याकडे त्याने अजूनही जर 6 गुन्हे केल्याचं कबुली दिली आणि 6 गुन्ह्यांमधले 4 मोटरसायकल आणि 2 मोबाईल फोन असे जप्त केले। जवळपास 1,00,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल आम्ही त्याच्याकडून हस्तगत केला आहे। त्याची सवय अशी आहे की तो वाहन चोरतो एका ठिकाणावरून, कुठल्या तरी हॉटेल किंवा दुकानात जातो, त्या ठिकाणी तो पैसे देत नाही आणि माझी गाडी ठेवून घ्या, मी थोड्या वेळात येऊन पैसे देतो, अशी त्याची MOB आहे। आणि असे ठेवून ते चोरीची गाडी त्या दुकानासमोर लावून तो पळून जातो किंवा गायब होऊन जातो। तर अशा पद्धतीने तो एका ठिकाणी वाहन उचलून दुसऱ्या ठिकाणी चोरतो। जवळपास सक्करदरा पोलीस स्टेशनच्या ह्या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये आम्हाला बेलतरुडी, वाठोडा, गणेशपेठ, त्याच्यानंतर बजाजनगर अशा वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमधल्या वाहन चोरीचे गुन्हे डिटेक्ट झालेले आहेत आणि त्याच्यातपैकी 4 वाहनंही आम्हाला मिळालेले आहेत, 2 मोबाईल पण याच्यात मिळालेले आहे। तर अशा पद्धतीने आम्ही या तपासात एकाच आरोपीकडून 7 गुन्हे निष्पन्न केलेले आहे। बरोबर आहे, या गुन्हेगाराची ही सवयच आहे चोऱ्या करण्याची। वाहन चोरीचे उडकेश्वरला पण साधारण 1 महिन्यापूर्वी जवळपास डिटेक्ट झालेले आहेत आणि इतरही चोऱ्यांमध्ये या आरोपीचा सहभाग आहे। बरोबर आहे, कुठलाही काय कामधंदा हा आरोपी करत नाही आणि कुठल्या तरी नशेची पण याला सवय आहे, उद्योगधंदा काही करत नसल्यामुळे हा चोऱ्या करतो। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।